वनवासी बच्चों को खेल के अवसर प्रदान कर उनकी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से एकल अभियान अपनी ग्राम स्वराज योजना के अभ्युदय यूथ क्लब द्वारा 19 जनवरी 2024 से 22 जनवरी 2024 तक नागपुर में राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस भव्य आयोजन की तैयारी पर चर्चा करने हेतु नागपुर व्यापारी आघाड़ी की बैठक बुलाई गई थी, जो सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। बैठक में विशेष रूप से उपस्थित एकल अभियान के राष्ट्रीय महामंत्री माधवेंद्र सिंह जी ने सभी को सहयोग करने की अपील की है। इस भव्य आयोजन की तैयारी पर चर्चा करने हेतु नागपुर व्यापारी आघाड़ी की बैठक बुलाई गई थी, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक में विशेष रूप से उपस्थित एकल अभियान के राष्ट्रीय महामंत्री माधवेंद्र सिंह ने सभी को सहयोग करने की अपील की। रविवार 31 दिसंबर को सेवा सदन हाई स्कूल में आयोजित इस बैठक में घनश्याम कुकरेजा, एकल ग्राम संगठन के अरुणा पुरोहित, दीपाली गाड़गे सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए एकल अभियान के राष्ट्रीय महामंत्री माधवेंद्र सिंह ने बताया कि राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज विद्यापीठ क्रीड़ांगन नागपुर में आयोजित इस राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में 28 प्रदेश के 1200 खिलाड़ी 19 जनवरी को नागपुर में पधारने वाले है। इसमें दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, कुश्ती और योग यह खेल शामिल किए गए हैं। इस अवसर पर माधवेंद्र सिंह ने सभी व्यापारी आघाड़ी के सदस्यों से राष्ट्र निर्माण के इस कार्य में सहयोग करने की अपील कर सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी। एकल अभियान के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के अगर विद्यार्थी विद्यालय नहीं जा सकते तो विद्यालय को ही विद्यार्थी के पास जाना होगा। इन्हीं विचार से प्रेरित होकर राष्ट्र निर्माण के ध्येय से 1989 में एकल अभियान की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत देश के सुदूर वन क्षेत्र में एकल विद्यालय खोले गए। इन्हीं विचारों से प्रेरित संपूर्ण भारत वर्ष में 1,02,052 विद्यालय के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, संस्कार शिक्षा, जागरण शिक्षा, विकास शिक्षा, इन पंचमुखी शिक्षा द्वारा समग्र विकास का प्रयास किया जा रहा है। बैठक में उपस्थित सभी व्यापारी आघाड़ी के सदस्यों ने पूरा सहयोग देने का विश्वास दिलाया। कार्यक्रम का संचालन एकल श्रीहरि के बालकृष्ण भरतिया ने और आभार घनश्याम कुकरेजा ने व्यक्त किया। आज का आयोजन हमारे भावी आयोजन के संदर्भ में था। आगामी 19 जनवरी से नागपुर नगर में एकल अभियान के द्वारा राष्ट्रीय खेलकूद समारोह आयोजित होने वाला है, उसकी तैयारी के निमित्त ये बैठक थी। नागपुर नगर के व्यापारी आघाड़ी के सब सदस्यों को आमंत्रित किया गया था, उनके साथ चर्चा हुई। सहयोग के संदर्भ में सब ने सहयोग के लिए आश्वस्त किया। पूरे देश के खिलाड़ी, 31 प्रदेशों के खिलाड़ी नागपुर पधारने वाले हैं। 19 जनवरी को एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, इन तीन विधाओं के स्पोर्ट्स कंपटीशन नागपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में संपन्न होने वाले हैं, उसी के निमित्त बैठक। आज के संदर्भ में तो भविष्य का विकसित भारत की कल्पना और 2024 सब प्रकार से देशवासियों के लिए शुभ रहे, ये कामना की उन्होंने। आज संयोग अच्छा है, 2023 का पूर्णता हो रही है, कल से 2024 प्रारंभ होने वाला है। नागपुर नगर के निवासियों के लिए और पूरे देश के लिए निवासियों के लिए आगामी वर्ष सब प्रकार से मंगलकारी हो, एकल अभियान की ओर से मेरी भी कामना, अनेक प्रकार की शुभकामनाएं। बीसीएन न्यूज़ के लिए क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।